अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जी, एज़ यूजुअल वर्क स्टेशन से स्टार्ट होगा हमारा आज का ब्लॉग फिर से। तो अभी हो गई है शाम और मैं शाम को बनाने लगी हूँ डिनर। डिनर में आज मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया है, मुझे बनाने के लिए ऑर्डर दिया है कि ज़ीरा राइस विद पोटैटो करी एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग सॉरी फूड ऑफ माई हस्बैंड। क्या है यहाँ पे लगाते हैं फ़ोन। तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रूड जो है मेरे हस्बैंड का, चावल ज़ीरा राइस एंड आलू की करी, तो जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। अभी मैंने ये हस्बैंड की जैकेट पहन ली है क्योंकि मुझे ना कमर में और बैक में बहुत पेन रहती है ठंड में, तो मैं इसलिए अंदर से दूसरी स्वेटर और फिर ये पहन के ना, ये काफ़ी गर्म है इसलिए मैंने ये पहन लिया। तो ऊपर से ये कवर यहाँ से कवर कर लिया, लेकिन बैक में बहुत ज़्यादा पेन होती है, बैठ नहीं पाती। जब भी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ उस टाइम भी मैं बैठ नहीं पाती ना ढंग से, फिर मैं ऐसे सीधा पीछे चेयर लगा के ना सीधा स्ट्रेट रखती हूँ बैक को, ताकि ऐसे रखती हूँ, मुझे लगता है उस वजह से मैं पोस्चर थोड़ा अपना टेढ़ा कर लेती हूँ, उसकी वजह से ना हमारी मुझे दर्द होती है। जब हम स्कूल में थे ना तब हम टेढ़ी मेढ़ी एक्सरसाइज करते थे ना, जब ऐसे ऐसे तो टेढ़ी हो जाती थी, तो मैम कहती थी टेढ़ा टेढ़ा मत करो, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएंगी और दर्द होगी। मुझे लगता है वैसे ही मैं पोस्चर ऐसे रखती हूँ, जब मैं बैठती हूँ ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे इस तरह से बैठो अच्छे से तो कुछ नहीं होता, वैसे कोशिश करती हूँ। तो डिनर में मैंने आपको बता दिया क्या बनाना है, और किचन में अभी काउंटर टॉप पे क्या फैला है वो भी दिखाते हैं आपको। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं यहाँ पे हैं हमारे मटर जो कि बहुत ग्रीन हैं, बहुत अच्छे हैं। और मटर पुलाव बनाने का आइडिया था पहले मेरा कि मैं मटर पुलाव बनाऊं, तो वो प्लान मेरा कैंसिल हो गया, आइडिया नहीं प्लान। और पापा लाए हैं एग ट्रे जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी घर की। पापा दो लाए थे, एक उस तरफ और एक इधर। तो ये क्या है, मैंने आज क्या मंगवाया है? मैंने आज मंगवाया है घर का फ्रेश फ्रेश खोया, जिसको मावा भी कहते हैं। ये देखिए नरम, आज सुबह ही बना है ये, जिससे मैंने मंगवाया। वो मेरा एक स्टूडेंट है, वो घर पे बनाते हैं तो मैंने उनसे मंगवाया। अब कुछ लोग सोचेंगे स्टूडेंट से मंगवाया, शायद पैसे नहीं दिए होंगे। पैसे दे दिए यार, पैसों से ही मंगवाया ये। मैंने उससे पूछा कब बनाया, तो कहता मैम आज सुबह ही बनाया था मम्मा ने, तो फिर उन्होंने, मैंने हाफ़ के जी मंगवाया था तो वो ला कर दिया है उन्होंने। इससे बनाएंगे हम गाजर का हलवा, बहुत रिच है, बहुत टेस्टी है। जो खोया होता ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हैवी होता है। ये बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि फ्रेश है ना। हमने पहले भी खाया लेकिन वो फ्रेश नहीं था, तो उससे इतना टेस्ट नहीं आया। तो इसको खाते पता कैसे हैं, अगर खोया खाना हो तो बताती हूँ। ये खोया लिया है, उसके ऊपर चीनी इस तरह से ऐसे अच्छे से लगा लेनी है इसको, और फिर खानी है। और फिर इसको हमने मज़े लेके खाना। रियली रियली वेरी गुड, रियली रियली गुड इन टेस्ट, ऑब्वियसली इन टेस्ट ही होगा। अभी क्या करूँ, सबसे पहले ये देख के आती हूँ, दूध लेके के आती हूँ और वहाँ क्या हो रहा है पता करके आती हूँ। आप आ गए कपड़े लेके, आपका सामान रह गया था ना कुछ। चाय बनाते हैं फिर और खाते हैं मट्टी। अब इनकी चप्पलें रह गई है घर, बाकी सामान इन्होंने लाया लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी वेयर चप्पल नहीं लाई है। जब कल पहनेंगे तो पता चलेगा फाइनल लुक। वैसे ओवरऑल कलर बता देती हूँ, कल जब फाइनल लुक होगी तो पता चलेगा। आज सनसेट बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, आपको दिख रहा होगा उस तरफ कितनी ज़्यादा रोशनी है। ये देखें
अब मैं इसको कैप्चर नहीं कर पा रही क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से। आहना आहिस्ता, बहुत कोशिश की लेकिन कैप्चर नहीं हो पाया सनसेट रिफ्लेक्शन की वजह से। चलो आप दूध पियो फिर खेलो। ज़ीरा राइस हमारे बन गए, बहुत टेस्टी बने। मैंने ना थोड़ा सा घी डाला है इसके अंदर, तो घी और थोड़ा सा नमक डाला है तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। एंड आलू की जो करी बनेगी वो बनेगी कुकर के अंदर, तो ये बन रही है, उसकी तैयारी चल रही है। आलू की सब्ज़ी मतलब पोटैटो करी हमारी तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी बनी है। ये देखिए हमारी लजीज सी पोटैटो करी तैयार हो गई है, चावल भी। यहाँ तो सारा काम ख़त्म हो गया, आहद उधर ही है और असद यहाँ पे है, तो इनके पापा अभी आए नहीं, तो मैं कह रही थी मुझे हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, असद हम भी चलते हैं उस तरफ। तो असद को कर रही हूँ पैम्परिंग, थोड़ा सा मना रही हूँ कि चल मेरे साथ, तो मान नहीं रहा, चलते हैं उधर फिर। एवरीबॉडी, हो गया ये सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है संडे। मैंने सोचा था होम टूर की वीडियो शूट करूँगी आज, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आज के आज ही मुझे अपलोड करनी थी लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जैसे आपने देखा लास्ट ब्लॉग में हम मेहंदी का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, आज वहाँ पे रिसेप्शन है, कल बारात थी और आज वहाँ पे रिसेप्शन है, तो मेरा ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, आई एम सो सॉरी। लेकिन आई प्रोमिस कि ट्यूसडे को आपको ये वीडियो होम टूर की ज़रूर मिलेगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। क्योंकि इंसान जो सोचता है ना वो होता नहीं है, और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जो मैं सोचती हूँ वो कभी होता नहीं है, मतलब मैक्सिमम मुझे ऐसा ही होता है कि नहीं होता। तो फ़ोन सेट कर लेते हैं पहले, फिर करते हैं बात। तो आज है रिसेप्शन, तो फेस का थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। देखिए मैंने मेहंदी लगाई थी लेकिन पानी लगने की वजह से ना यहाँ से तो ये ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऐसे किया ना मैंने हाथ, तो ये ख़राब हो गई, यहाँ से ख़राब हो गई। और यहाँ पे है ये वाला डिज़ाइन, मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन लाइट हो गया थोड़ा सा। तो मैं कर रही हूँ आज फेस पैक लगा रही हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था ये मामा अर्थ का, पेट प्रमोशन नहीं है तो वहाँ बैठी थी तो बच्चों ने वीडियो बनाने नहीं दी, तो अब यहाँ आई हूँ। मामा अर्थ का मैं बोल रही थी मेरे पास पैक है, ये लगा रही हूँ, लास्ट थोड़ा सा बचा है, इसमें मैंने गुलाब जल ऐड किया है, तो ये लगाऊंगी फेस पे। और ये होती है हमारी छोटी मोटी सी तैयारी, अब हम थोड़ी देर में जाएंगे। हम दीदी ने लगाया फेस पैक, यही वाला लगाया, दूसरी दीदी ने कलर लगाया, हेयर डाई, मैंने भी थोड़ा सा लगाया है कलर, बाल वाइट हो गए हैं तो ब्राउन वाला लगाया है, लगाना पड़ जाता है कभी कभी ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, है लेकिन लगाने पड़ते हैं, क्या करें। तो बाकी दूसरा ब्लॉग में आपको रिसेप्शन की वीडियोस मिलेंगी, ये तो रिसेप्शन के एक दिन की वीडियो, एक दिन पहले की वीडियो, बाकी आपको रिसेप्शन का ब्लॉग मिलेगा आपको मंडे को। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अच्छी लगी तो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और रिसेप्शन वाला ब्लॉग आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मेरा सूट भी आपने देखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।